नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। इस वक्त हमारे साथ कैंपस डायरी की पूरी टीम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतिक, अभिनव, सृष्टि और सलोनी जी, स्वागत और शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी सीरीज की चर्चा खूब है इन दिनों। लोग उसके छोटी छोटी वीडियोज देखकर सोशल मीडिया में शेयर भी कर रहे हैं और खूब बातें भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो शुरू करते हैं सृष्टि और सलोनी से। लेडीज फर्स्ट, किस तरह का अनुभव रहा, क्यों साइन किया प्रोजेक्ट, और आपके शब्दों में ये कैंपस डायरी है क्या? सृष्टि जी, किस तरह ये शुरू हुआ? लॉकडाउन चल रहा था, काम नहीं था ज्यादा, ऑडिशंस देते गए और एक कैरेक्टर मिल गया, काम मिल गया। और अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा शो मिला एमएक्स प्लेयर जैसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे टीम के साथ जिसके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ। तो मतलब अमेजिंग ही हो गया सब। और कैंपस डायरीज एक कॉलेज के बारे में शो है। बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, हम 6 दोस्त हैं, उसमें से एक मैं हूँ, सानिया। और सानिया बहुत पढ़ाकू लड़की है, अपने करियर के बारे में बहुत क्लियर है, अपने टॉपर है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करती है, पर उसके बाकी भी बहुत सारे ख्वाहिशें हैं जो वो पूरी करना चाहती है, और वो अपने दोस्तों के थ्रू पूरी करने की कोशिश करती है। और बहुत ही बढ़िया एक जर्नी है उसका, जो जब आप शो देखोगे आपको पता चलेगा। बाकी सारे लोगों का भी बहुत एक बढ़िया जर्नी है। इस शो के थ्रू आप अपने कॉलेज लाइफ को याद करोगे, या कॉलेज वापस जाने की इच्छा रखोगे, या अगर आप कॉलेज में हो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी ही लाइफ को देख रहे हो स्क्रीन पर। तो बहुत ही मजेदार शो है, पर उसी के साथ साथ रियलिटी भी दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजों को एड्रेस कर रहे हैं। मतलब इट्स अ ब्रीदर। क्या जो बात। भी आप डार्क वार्क जो शोज देख रहे हो ना, उसमें से मतलब ये एक ब्रीदर है। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब सोफे पे बैठ के अपने डॉगी, अपने पति पत्नी फैमिली के साथ कडिल करके ये एक्सपीरियंस करो ये शो, ऐसा लगेगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया अपने शो के बारे में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा दर्शकों को कि एक्टर बनना बहुत आसान है, बहुत जल्दी फेम और काम टीवी पे दिखते हैं, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन आप मेरे साथ जो जुड़ी टीम है, आप देखिए कि इनको सुबह से अब तक खाने का समय नहीं मिला है। ये इनका लंच टाइम है जो 4 बज रहा है, और मैं जानता हूँ क्योंकि ये लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। तो लड़के तो बहुत भुक्कड़ की तरह खा रहे हैं और तरीके से, लेकिन लड़कियां बहुत सोफेस्टिकेटेड ढंग से खा रही है, किसी ने पता भी नहीं चले, धीरे धीरे खा ले। भाई जो यहाँ पे सबसे सही तरीके से खाया वो अभिनव, क्या खा रहे थे भाई? तो पारे खा रहा हूँ भाई। लंच भी नहीं है तुम्हारे पास आज? नहीं यार, लंच मैंने एक्चुअली ब्रंच खाया था। मैंने यही सोच के खाया था कि ब्रंच खा लेता हूँ, फिर भूख नहीं लगी। लेकिन मैं पंजाबी हूँ तो एक को तो आधे घंटे बाद ही भूख लग गई थोड़ी सी। तो तब से मैं बहुत बहुत मुश्किल रहा है मेरे लिए संजय, बड़ा ही मुश्किल रहा है। लोगों को ना भूख भी लगेगा ये इंटरव्यू देख के। प्लीज आप खाते रहो, एंजॉय करो। और मैं तब तक, ऋतिक आप क्या खा रहे थे? अरे मेरी मम्मी चने के दाल का पुलाव बनाती है जो मुझे बहुत पसंद है, तो उन्होंने वो बनाया हुआ था, बट इसी दौरान खा नहीं पाया। तो अब मुझे बहुत भूख भी लग रही थी और मुझे उसकी याद आ रही थी, तो मम्मी को बोला एक बोल में दे दो। हमने एक ब्रेक लिया हुआ था तो उसमें खा रहा था बट खत्म नहीं हो पाया, तो मैं बीच बीच में छुप छुप के खा रहा था बट पकड़ा गया। नहीं, बिल्कुल पकड़े नहीं गए, अच्छा है। देखो मैं बोलता हूँ कुछ भाई, मैं ना ऐसा देखा नहीं वो कैसे खा रहे थे। बड़ा आई एम श्योर अगर आप मुझे बोल रहे हो वो ऐसे खा रहे थे एक लहजे से, तो बहुत ही अच्छी बात है। यकीन नहीं हो,
तरीके से। लहंगा, हाँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा था सब जो भी इन दोनों ने किया। मेरी और ऋत्विक की तरफ से क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। इनफैक्ट मैं अब से मैं एक व्रत रखना चाहता हूँ अगले 15 मिनट, और ये व्रत है हमारे शो कैंपस डाइज के लिए। सो बाय बाय नमक पारे, मैं अगले 15 मिनट कुछ नहीं खाऊंगा, एक निवाला नहीं खाऊंगा। ये 15 मिनट का व्रत है। अच्छा, सच्चाई के साथ जीना चाहिए, सच्चाई के साथ। जब तक कैंपस डायरीज नहीं देखेंगे सारे, अभिनव नहीं खाएगा नमक पर। एक सेकंड सुनो संजय, संजय 15 मिनट ना मैं पानी पीऊंगा ना मैं कुछ खाऊंगा, शो हिट है। भाई शो ना सुपर हिट है। मुझे ये बताओ कि कभी कभी जब हम हॉस्टल में रहते हैं, और क्योंकि आपका शो भी हॉस्टल की कहानी और कैंपस की कहानी कहता है, तो हमारे घर से सामान आता है, हम अकेले रहते हैं तो घर वाले बहुत सारे नमक पारे ये वो लड्डू सब भेजते हैं, और सिर्फ कॉलेज या जहां पर भी आप जाओ वहां लूट मच जाती है। इससे जुड़ा कोई किस्सा है आप लोगों के पास तो मुझे सुनाओ ऋतिक। हाँ, चलो नहीं आपसे शुरू करते। हम में से सबसे ज्यादा बीच में आई थिंक अभिनव घर जाता था, चंडीगढ़ में हम शूट कर रहे थे, दिल्ली में घर था, और जब वापस आता था तो इतना सारा मीठा सही ये में एंड सबके साथ बांटता था। तो इसके रूम में ना एक शेल्फ था जिसपे सजा हुआ था सब कुछ, एंड हम इसके रूम में जाते थे और हमें जो चाहिए होता था हम उठा के ले आते थे और खाने लग जाते थे, और वो सब घर से आता था। तो आई थिंक ही वो अच्छा एक दोस्त होता है ना जो अपना खाना लाता है, बहुत रोता था वो, उसको नहीं पर उसके बाद ऑप्शन नहीं थी। तो नहीं, मैं की सिस्टर है आई थिंक जो बेक करती है, राइट? तो वो इतना अमेजिंग सिनेमन रोल्स का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, तो मेरा भाई कभी कभार बनाता था तो मैं उसके खाता हूँ हाथ के सिनेमन रोल्स। बट जब अभिनव लाया, उसने एक हम सबके लिए एक बॉक्स लाया था बना हुआ, जिसमें उनकी बहन ने सारे डेजर्ट्स डाले हुए थे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने सारे डेजर्ट्स एक दिन में खत्म कर दिए, और फिर अभिनव के डब्बे से भी खाए, मुझे इतना अमेजिंग लगा अभिनव बहुत स्मार्ट है, वो खुद नहीं खा रहा था क्योंकि उसके था। एप्स दिख गए ना, हमारे तो निकले नहीं, ये उसका हाँ स्ट्रेटेजी था। क्या बात है, मतलब घर से सामान मंगाओ और पूरी टीम को खूब खिलाओ, खराब करो सबकी और सेहत। खुद अपने एप्स दिखाओ, ये है उसका स्ट्रेटेजी, समझ गए हम। बिल्कुल सलोनी, आपके शब्दों में कैंपस डायरी और आपका किरदार। मेरा किरदार सुष्मिता का है। संजय बहुत ही बिंदास है, बहुत ही आउटगोइंग है, किसी चीज से डर नहीं लगता उसे, उसके सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता, स्पेशली उसके दोस्त, लेकिन बहुत ही दिल से सोचने वालों में से है, और उसके दोस्त उसकी दुनिया है, ऐसा कैरेक्टर है। और ऐसा कैरेक्टर है जो या तो आपको चाहिए आपकी लाइफ में हो, या आप वो खुद कहीं ना कहीं बनना चाहते हो, तो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। एंड आई थिंक ये शो ही बहुत प्यारा है बिकॉज इसमें जितने भी कैरेक्टर्स है इतने रियल है ना, आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखे होंगे या